उन लोग का ये पेपर सब्जेक्टिव ही लिया गया है लेकिन यहाँ पे हंड्रेड मार्क्स दिखा रहा है हम आपको एक चीज़ और दिखा देते हैं क्योंकि कन क्योंकि बहुत ही तरह का एकदम कन्फ्यूज़न है हम देखिए आप लोग की जो वेबसाइट है एस यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है वहाँ पे हम आ करके जब हम ये क्या सिलेबस ओपन करते हैं अंडरस्टैंडिंग इंडिया का तो यहाँ पे हंड्रेड मार्क्स दिखता है और यहाँ पे जो है 50 मार्क्स का दिखता है जब यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग इंडिया में आते हैं लेकिन आप लोग का एग्ज़ाम 50 नंबर का होगा कि 100 नंबर का होगा ये भी एक तरीके से क्वेश्चन है तो अब चलिए हम लोग पी वाई क्यू पे ही सीधा चलते हैं अब जो आप लोग का जो एग्जाम होगा इस बार का वो सब्जेक्टिव वाइज होगा और आप लोग का जो फुल मार्क्स होगा वो हंड्रेड नंबर का होगा और तीन घंटा का पेपर रहेगा क्योंकि आप लोग के जो प्रीवियस सेशन वाले छात्र थे उन लोग का सब्जेक्टिव ही रहा था क्वेश्चन देखिए इस तरीके से क्वेश्चन है वेन डिड क्विट इंडिया मूवमेंट हैपन भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ रोट द बुक हिंद स्वराज हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखा ऐसे तमाम छोटे छोटे क्वेश्चन इस चीज का जो क्वेश्चन है वो हम लोग हम जो है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने यूट्यूब चैनल पे ही करवा देंगे और टेलीग्राम चैनल पे ही सारा चीज शेयर कर देंगे ये जैसे की शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑफ गांधी जी ये सारा चीज है ना कुछ लॉन्ग क्वेश्चन ये जो है आप लोग का पूरा फुल पेपर सब्जेक्टिव ही में है है ना तो इसलिए आप लोग का एग्जाम सब्जेक्टिव में ही होगा और सब्जेक्टिव का ही तैयारी कीजिए ऑब्जेक्टिव जो बोल रहा है उनके उनको कहिए उनको कमेंट कीजिए उनको बताइए कि कैसे ऑब्जेक्टिव होगा आप लोग क्वेश्चन पेपर तथ्य बताइए प्रूफ दिखाइए तो आपको ये प्रूफ दिखा रहे कि आप लोग का जो है पेपर सब्जेक्टिव ही वाइज होने वाला है तो ये कन्फ्यूजन दूर कर दीजिए कि ऑब्जेक्टिव होगा कि सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव होगा है ना आपको लिखना पड़ेगा क्वेश्चन आंसर और आप लोग का क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा यहाँ पे आपके पास जीता जागता है फिलहाल इस वीडियो में इतना ही अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद